हालेलुया। जितने लोग बोल सकते कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है वो तेज से चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हम सब साथ में बोलेंगे यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। सचमुच में यहाँ परमेश्वर उपस्थित है। आइए हम सब आराधना में जाएंगे। हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। और परमेश्वर, हमने हमेशा देखा है कि जितने वचनों को हम पढ़ते हैं, आप सब सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठा के बोले हालेलुया। 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 हम सब वचन को पढ़ते हैं, उसको रिसीव करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है वैसे। और ये इस बात का गवाह कौन है? इतिहास गवाह है कि परमेश्वर का कोई भी वचन पूरा हुए बिना नहीं टलता। हालेलुया। 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 आइए चर्च, हम सब आराधना में जाएंगे। परमेश्वर की आराधना और स्तुति हम आनंद के साथ, जोश के साथ साथ करेंगे और परमेश्वर को कहेंगे, एक बार फिर से बताएंगे कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे हर एक पापों से निकाला, आपका धन्यवाद हो कि आपने हर एक चीजों से मुझे छुड़ाया। हालेलुया। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। उसे काली कब्र थी, तूने लाई आनंद जिंदगी, जीते हम यीशु जिंदा है। सारे धुल गए हैं।
गवाही है, मृत्यु से हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। तूने लाई आनंद जिंदगी, सीखे हम यीशु जिंदा है। परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से सब बोलेंगे, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है। आज जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता ना प्रियो, तो आज चर्च हम इस बात को परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु मुझे कोई भी भय नहीं है जब आप मेरे साथ में। हालेलुया। क्या आपको भय है जब परमेश्वर आपके साथ में है? नहीं। क्या आपको भय है जब आपके साथ परमेश्वर है? नहीं, नहीं है ना। तो आज हम परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर को ये बताएंगे कि प्रभु हमें कोई भय नहीं है जब आप हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। चाहे कब्जा करना, दुख चाहे खुशियों को हरना, हो निराशा जब से जब सामना, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, मुझे निराशा जब से जब सामना, मैं ना
करना, जब दुख चाहे खुशियों को हरना, हो निराशा चाहे खुशियों को हरना, हो निराशा जब सामना, मुझे बैठ नहीं रहता जब मैं
से गाएंगे आमेन। शर्म का नहीं है कोई स्थान और झूठ में कैद नहीं है मेरे, फिर से गाएंगे शर्म का, बोलेंगे शर्म का नहीं है, सारी शर्म जा रही है, अनादर के बदले आदर आ रहा है, और झूठ में कैद नहीं है मेरे बीत कल से नहीं हूँ परेशान, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, शर्म का नहीं है कोई स्थान और झूठ में कैद नहीं है मेरे से मैं जिंदा हूं, जिस नाम में सामर्थ है वो यीशु का नाम है, वो नाम है यीशु, मुझे भय नहीं है रहता जब मैं रहता तेरे प्यार में, मुझे भय नहीं है रहता जब मैं रहता तेरे प्यार में, मुझे भय नहीं है रहता जब मैं रहता तेरे प्यार में, मुझे भय नहीं है रहता जब मैं रहता तेरे प्यार में। हालेलुया हालेलुया लब्रान से लम्ब्रो साला ब्रोकान दे ला रबो जानाम्रा ओ रात ब्रान दे ला ब्रो का चाला ब्रा का देखे चले अंदर अलबा चर्च। ये समय होगा आराधना का जब हम आराधना में जा रहे हैं, हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थिति रखा
आइए चर्च, हम जब आराधना में जा रहे तो हम कहे प्रभु से, प्रभु चाहे कैसी भी हमारी परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करते हैं, हमारी बातों के द्वारा, हमारे हंसने के द्वारा, हमारे रोने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, हमारे फिरने के द्वारा, हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना करते हैं। आइए चर्च, हम कहेंगे प्रभु हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति, हर एक कंडीशन में हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। ओ थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू डैडी, वी वर्शिप यू डैडी, थैंक यू जीसस। मैं चाहूं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना। ये चर्च हम सब परमेश्वर को बोलेंगे, हाँ मैं चाहूं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो, तेरे करीब मैं मरता चलूं, तू ही जरिया
जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जय का चिल्लाऊं, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जय का चिल्लाऊं, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, तेरे चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, स्तुति का हथियार उठाऊं, युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जय का चिल्लाऊं, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबतों में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबतों में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे
सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरजू। मेरा हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए लॉर्ड, इस वक्त इस समय हम आपको देते हैं लॉर्ड। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर हम गाएंगे, वचन आपका नाम है, यीशु मसीह का नाम लेकर हम एक युद्ध को जीतने जा रहे हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद देते, हर एक निराशा आनंद में भरते जा रही है, हर एक शर्म के बदले, हर एक अनादर के बदले दुगना आदर आने जा रहा है। पिता हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, हालेलुया। निराशाओं में क्या है, निराशाओं में तेरे आगे झुक जाऊं, हालेलुया। मुसीबत में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, आमेन। कितने लोग उत्साहित है, आमेन, हालेलुया, आमेन। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मेरे लिए। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूं तेरी जय जयकार चलाऊं। सब एक साथ गाएंगे, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर हालेलुया जयवंत हूँ। हालेलुया चल, निराशाओं में, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ जय जयकार चलाऊं। हालेलुया, 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 आमेन। चर्च, जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर्स को ढूंढते हैं, हम लोग बैंक को ढूंढते हैं, और हम लोग सपोर्टर्स को ढूंढते हैं, आमेन। बट बाइबल कहती है कि जब पौलुस, ये पतरस लोग जब ये जेल में थे और इस मुसीबत के समय में, उन लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, हर एक बंधन टूट गए थे, स्वर्गदूत काम कर रहे थे। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, एंजल्स एक्टिवेट होते हैं, हालेलुया, स्वर्ग एक्टिवेट होता है, परमेश्वर का आत्मा एक्टिवेट होता है, हालेलुया, आमेन। हम लोग पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, आमेन, हम लोग पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, गॉड्स वर्ल्ड सिस्टम इज डिफरेंट देन आवर वर्ल्ड सिस्टम, आमेन। परमेश्वर का संसार और इस संसार में बहुत फर्क है, आमेन। इस संसार को रोशनी, इस संसार को रोशनी धूप कहां से मिलती है, सूरज चांद से मिलती है, आमेन। लेकिन परमेश्वर का पैटर्न अलग है। सबसे पहले परमेश्वर ने दुनिया में
ज्योति बनाई, प्रकाश को बोला आमेन, उसके चार दिन के बाद सन एंड मून को बोला हालेलुया आमेन। तो पहले ज्योति आई, उसके बाद प्रकाश आया, आमेन आमेन आमेन। तो परमेश्वर का पैटर्न अलग है। हम लोग पिछले हफ्ते इस बात को कर रहे थे ना, फॉर द वर्ल्ड सिस्टम विदाउट सन एंड मून दे विल नॉट हैव लाइट, बट इन गॉड सिस्टम फर्स्ट ही गिव्स लाइट, देन ही गिव्स सन मून एंड स्टार्स, आमेन। फॉर द वर्ल्ड सिस्टम विदाउट चिल्ड्रन दे नॉट बी कॉल्ड एज फादर, बट इन गॉड सिस्टम फर्स्ट ही विल कॉल यू एज अ फादर, then he will give you children, amen, hallelujah, hallelujah, amen. In world system, in order to win you have to fight, but in God's system first he gives victory, then you fight for victory, hallelujah, amen. Fight for victory means fighting, taking your victory, hallelujah, amen, hallelujah. तो आज आपके जीवन में कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानी है, परमेश्वर का एक ही हथियार है, वो है स्तुति, हालेलुया, परमेश्वर का नाम स्तुति है। जब हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं एंजल्स एक्टिवेट होते हैं, आमेन। तभी के लिए हम लोग वो सब गाने नहीं गाते, आमेन, पुराने नियम के गाने, प्रभु आजा, प्रभु दया कर, नहीं, प्रभु ने दया कर चुका है, आमेन। हम लोग बस परमेश्वर के साथ प्रभु को हामी बोल रहे हैं जो उसने बोला है, हालेलुया। मुसीबत में तेरे आनंद से भर, वो क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, यदि कोई कमजोर है तो क्या कहे, हे hey, परमेश्वर का सिस्टम अलग है। वो बोलता है कि अगर तेरे को कमजोरी लग रही है तो तू ये मत बोल कि तू कमजोर है, तू क्या बोल, आज हो सकता है कि आज आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, हो सकता है कि आज आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपको बोल रहा है कि उल्टा बोल, उल्टा सोच मत, क्या बोल रहा है, उल्टा बोल, आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता, मैं कहता हूं आनंदित हो, आमेन। क्या लिखा हुआ वहां पे वचन, क्या आनंदित हो, मैं फिर कहता हूं आनंदित हो, आमेन। तो चर्च, आज आप किसी भी प्रॉब्लम से है, जब आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं बस, यू डोंट हैव टू प्रे आल्सो, आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, स्तुति आपका हथियार है, हालेलुया, आमेन। आप लोगों को मालूम है दूसरा इतिहास में क्या हुआ था, दूसरा इतिहास चैप्टर क्या, दरा का चैप्टर, आमेन, क्या है, 20, खोलेंगे जरा, मुसीबत में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में तेरी स्तुति का हथियार उठाऊं, हालेलुया, निकालेंगे अध्याय 20 में, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं, आमेन। हम लोग इसको बराका चैप्टर बोलते हैं, हालेलुया, आमेन। यहाँ पे क्या हुआ, पहले दो तीन आयत को पढ़ लेंगे, कितने लोग तैयार, बोलो हालेलुया, हालेलुया। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ जय जय का चिल्ला, एक बार गाएंगे हालेलुया, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं, युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ जय जय कार चिल्ला, एक बार बार गाएंगे चर्च, हालेलुया, कितने लोग तैयार है, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जय कार चिल्लाओ, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु। चर्च, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, गॉड इज द सोर्स, आमेन, नॉट डॉक्टर,
नॉट बिजनेस मैन, नॉट योर कस्टमर्स. आमेन. आपके कस्टमर आपके स्रोत नहीं है, आपका डॉक्टर आपका स्रोत नहीं है, केवल और केवल यीशु मसीह आपका स्रोत है. आमेन. वो सृष्टि करता है. हालेलुया. अगर आपको जो चीज जरूरत है, अगर वो इस दुनिया में नहीं भी है, अवर गॉड कैन क्रिएट दोस थिंग्स. हालेलुया. हमारा परमेश्वर उनको बना सकता है. अगर किडनी खराब हो गई है, अगर लिवर खराब हो गया है, और अगर कोई मुझे देख रहा है इस मुसीबत के समय में, जब आप परमेश्वर को निहार रहे हैं, ही कैन गिव यू अ न्यू किडनी, ही कैन क्रिएट अ न्यू किडनी, ही कैन क्रिएट न्यू लिवर, ही कैन क्रिएट न्यू आईज. हालेलुया. हालेलुया. निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूं तेरी जय जय का चिल्लाऊं. एक साथ चल. निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूं तेरी जय जय का चिल्लाऊं, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरजू. चर्च चर्च लगाने का मतलब ये नहीं है हाउ वंडरफुल वी आर प्रीचिंग, कितनी गहरी बात दे दिए, कितनी गुप्त बात दे दिए. दैट विल नॉट हेल्प यू, ओनली जीसस कैन हेल्प यू. हालेलुया. हमारा काम है कि आपको कनेक्ट कर दे विद गॉड, रेस्ट थिंग्स विल हैपन. Amen. Amen. What is our job? हमारा job क्या है? To connect you with God, to connect Amen. You with Holy Amen. Spirit, to connect you with Jesus. Amen. Amen. That is the only thing. When you will be connected, जब आप जुड़ जाओगे, फिर अपने आप आपके अंदर एक ही आवाज, जैसे चेले यीशु मसीह के साथ बेफिकर होकर के चलते थे, उससे ज़्यादा अच्छे से आप चलेंगे. आमेन. आमेन. तो चर्च, जब भी आपके जीवन में परेशानी आती है, जब भी आपके जीवन में मुसीबतें आती है, जब भी आपको लगता है कि प्रभु मैं क्या करूं, नो होप, कोई आशा नहीं है. आमेन. कोई आशा नहीं है. एक चीज को समझना, सी आई एम प्रीचिंग ऑल्सो, ओके, आई एम प्रीचिंग ऑल्सो, ठीक है. डाउट, बोलो डाउट. डाउट. डाउट क्या है? डाउट ये है जो आज आपके पास है और जो आपको आज दिख रहा है, ये डाउट है. Amen. What is doubt? Doubt will made you to see what you have and nothing else. Amen. And what is hope? Hope क्या है? आशा क्या है? आशा वो है कि हाँ, ये हो सकता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ, ये हो सकता है, ये आशा है. लेकिन विश्वास क्या है? ये हो गया है, ये मेरे पास है, मेरे Amen. पास है, ज्योति आ गई है, सूरज चांद चंद्रमा आ जाएगा. That is faith. So, प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी आशा से जीवित नहीं रहता है, केवल शिव भैया रहते हैं अपनी पत्नी के साथ. Amen. लेकिन हर एक धर्मी जन विश्वास से जीवित Amen. रहता है, और विश्वास और आशा में फर्क है. होप विल से वन डे दिस विल हैपन, एक दिन आएगा और ये होगा, प्रभु के वचन के अनुसार ऐसा हो सकता है. मतलब आशा क्या बोलता है? होगा नहीं, वो क्या बोलता है? ऐसा हो, मेरे शब्दों को मैं सही करूंगा, होप विल से वन डे इट कैन हैपन, इट कैन हैपन, ये हो सकता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है ये हो सकता है. इसको क्या बोलेंगे? आशा. विश्वास क्या बोलेगा? हो कर रहेगा, होने वाला है. हालेलुया. मुसीबत में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं, निराशाओं में. आमेन. निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, ये विश्वास है. मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं, निराशाओं में. आमेन.
निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाओ, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाओ, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाओ, नाम यीशु है, हालेलुया, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चलाऊं, मुसीबत मुसीबत में तेरे नाम लेकर मैं गाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चलाऊं, निराशाओं में चट एक साथ एक साथ, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाओ, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाओ, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाओ, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चलाओ, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। आमेन, हालेलुया। तो ये गाने का मतलब था, और ये चीज हम लोग आराधना कर रहे थे। आमेन, सी दिस इज कॉल्ड वर्शिप। आमेन, singing is not worship. Amen. We are not singers, we are worshipers. Amen. Hallelujah. जब आप इस गीत को ले रहे हो, जब आप गा रहे हो, see the atmosphere changed. जब आपको इसका मतलब पता चला, oh my God, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं। हम लोग निराशा में क्या चाहते हैं कि प्रभु कोई मेरी पीठ थपथपा दे, कोई मेरे को बोले तू सही है, you are right, they are wrong. Amen. But प्रभु का वचन कहता है कि लेट यू फिल विद जॉय टुडे इटसेल्फ, अगर आप निराश हैं आज आनंद से भर दो। आमेन, आमेन, आमेन। अगर मुसीबत आ गई है, डोंट कॉल एनीवन। आमेन, आपके पास एक हथियार है, उसका नाम स्तुति है। आमेन, स्तुति क्या है? प्रेस क्या है? प्रेस क्या है? हथियार है। हालेलुया, स्तुति क्या है? हथियार है। जब आप यीशु के नाम को जोर जोर से गाते हैं कि बचाने वाला तू है, छुड़ाने वाला तू है, तू हमें निकालेगा, वो एक युद्ध के समान हो जाता है चर्च। आमेन, तब आपकी वर्शिप क्या बन जाती है? वॉरशिप बन जाती है। आमेन, आपकी वर्शिप क्या बन जाती है? वॉरशिप। जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं, जब आप उसके करीब आ रहे हैं, एंड यू आर अप्रिशिएटिंग गॉड, हालेलुया, आमेन। मतलब कि जब गॉड आपको क्या कर रहा है, जब आपको मिनिस्टर कर रहा है, यू आर वर्शिपिंग, है ना, गॉड इज मिनिस्टरिंग यू इन द वर्शिप टाइम। लेकिन चर्च, जब आप स्तुति करते हो, आप क्या करते हो परमेश्वर के लिए, आप चेयर आउट करते हो, लॉर्ड यू कैन डू इट, हो सकता है तुझसे, हो करके रहेगा। आमेन, हालेलुया। जब आप स्तुति करते हो तो वह क्या बन जाता है? एक हथियार बन जाता है। जब आप स्तुति करते हो, है ना, मैं नहीं चाहूंगा कि पत्थर चिल्लाए, इसलिए मैं चिल्लाऊंगा, हालेलुया, आमेन, आमेन। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम शांत रहे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो पत्थर कौन है? ऐसे लोग जो कठोर लोग हैं, आमेन, वो पत्थर है, आमेन। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि परमेश्वर पत्थरों को, मेरे बदले पत्थर चिल्लाए, मैं चिल्लाऊंगा, आमेन, आमेन। तो चर्च, जब हम लोग स्तुति करते, जब हम लोग कितने भी निराश है, कितनी भी मुसीबत है, आज आप लोग के लाइफ में होगा, आमेन, क्यों ना आप ऐसे गीतों को ले लें जो परमेश्वर को बढ़ा करती है, जो परमेश्वर को शो करती है। हमेशा हमको वही गीत पसंद आते हैं, मैं तो खाली हूँ बर्दे, हमको अपना ही दिखता है, आमेन। Change this pattern, amen. See yourself in Christ. मसीह में अपने आप को देखो, परमेश्वर को देखो, जितना परमेश्वर को देखोगे उतना परमेश्वर के लिए गाओगे, उतना परमेश्वर को बोलोगे, और जितना आप अपने आप को देखोगे तो वही गाना गाओगे, मैं तो खाली हूं भर दे, दया कर मुझ पर प्रभु, मेरे को देखना प्रभु, हालेलुया। लेकिन चर्च, परमेश्वर का पैटर्न अलग है,
हमको लगता है हम लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, बिलकेंगे तो परमेश्वर सुनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आंसू परमेश्वर को काम करवा सकते थे तो कितने महिलाएं लोग जीत जाती। आमेन। कितनी बहन लोग जीत जाती, परमेश्वर को उल्टा कर देते उन लोग। सो गॉड डजंट वर्क विथ योर टीयर्स, ही वर्क बाय फेथ। आमेन। परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है, और आपकी स्तुति आपका विश्वास है। विश्वास क्या है? मैं देख नहीं रहा हूं लेकिन हो चुका है। Amen. We have 50,000 people. Amen. In spirit. Amen. सबसे पहले ज्योति आई है और चार दिन बाद सूरज चांद चंद्रमा आने जा रहा है। Amen. तो कलीसिया, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वी आर नॉट डेट चर्च, डीप वर्ड, उक्त वचन, ये वचन, ओके, प्रेज गॉड फॉर दैट। हम लोग प्रेरितों की कलीसिया है जो विश्वास में, प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। वो गिनती में और विश्वास में बढ़ते जा रहे थे। आमेन। तो विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। द फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। फेथ डजंट कम बाय हैविंग हर्ड। विश्वास सुनकर नहीं आता, सुनने से आता है। और जितना आप गीत को गा रहे हो, लगातार आप रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो आपका कान सुन रहा है। बाइबल कहती है मत्ती किताब में, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारे मुंह में है। और जितना आप सुनोगे वो आपके अंदर जा रहा है और अचानक से वो बाहर निकल रहा है। द बेस्ट वे टू कन्फेस, एक अच्छा तरीका आपके अंगीकार का है कि आप गीत को गाओ। आमेन। आमेन। आपकी प्रार्थना गीत बन जाए, आपका अंगीकार गीत बन जाए। आमेन। और जब वो गीत बन जाता ना चर्च, तब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत करते काम को। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को वचन चाहिए और वो वचन को लेकर के काम करते हैं। आमेन। आमेन। अगर उनको वचन नहीं मिलेगा तो वो लोग काम नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कितने सारे स्वर्गदूत बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही उनकी, क्योंकि हम लोग उनको काम ही नहीं दे रहे हैं। और जब भी हम लोग ये गीत को गा रहे थे, एंजल्स वेर वर्किंग। आमेन। आई बिलीव जब आप बोल रहे थे कि हे एंजल्स काम कर रहे थे, दो ह्यूमैनिटी आप देख नहीं, क्योंकि हम रूप देख कर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास की आंखें हैं, जो वचन कहता है वो हो करके रहेगा। आमेन। तो जब आप स्तुति करते, चाहे आज आपका कुछ भी, आज कोई भी फेलियर्स को देख रहे हो, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इफ यू आर बिलीविंग गॉड एंड इफ यू आर सिंगिंग एंड प्रेजिंग गॉड, सिचुएशन विल चेंज। हालेलुया। चीजें बदलेगी। आमेन। आमेन। पर वचन के हिसाब से अभी हम लोग एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, रिन्यूइंग ऑफ द माइंड, मन का नवीनीकरण। मिरेकल विल नॉट रिन्यू योर माइंड। चमत्कार आपके मन को नहीं बदलता। लोग बोलते हैं ना, भाई आई एम नेगेटिव बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स। लोग बोलते हैं ना, मैं इसलिए, मेरी सोच इसलिए नकारात्मक हो गई है भाई, क्योंकि मेरे साथ मेरा बहुत कठिन दौर चल रहा है। आमेन। असल में उनका कठिन दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक हो गई है। आमेन। लेकिन जब आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी तो आपका जो कठिन परिश्रम वो आसान हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके मन में काम करता है। आमेन। विश्वास और एक नवनीकरत मन, एक रिन्यूड माइंड एक साथ चलता है। आमेन। मिरेकल करने के लिए पवित्र आत्मा को वचन चाहिए। गॉड, फेथ प्लीजेस गॉड। आमेन। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है। आमेन। और हमने अभी देखा कि डाउट, होप और फेथ में फर्क है। दूसरा इतिहास 20 निकाल के रखना। आमेन। आई विल फिनिश क्विकली। आमेन। हमें टेस्टिमनी को टाइम देना है, एंड वी विल, हम लोग नेक्स्ट संडे को हम लोग करेंगे। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, आप लोग को बताना चाहता हूँ, इंग्लिश क्यों निकल रही है? आमेन। लगता है इंग्लिश क्राउड होगा। आमेन। ऑनलाइन आई डोंट नो। आमेन। मुझे नहीं मालूम। बट अगले संडे से जो हमारा टाइमिंग है वो 5 बजे है, ठीक है? आप सब लोग 5 बजे के पहले पहुंच जाएं, एंड वी विल बी इन द एयर। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। 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 तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर काम करता है। आमेन। 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 विश्वास और आशा में फर्क है। बादल और आशा भावी में फर्क है ना, वो लड़का है वो लड़की है। आमेन। वैस उतना ही फर्क है। बादल का नाम क्या है? विश्वास है। आशा भाभी का, अच्छा, शिव भैया की वाइफ का नाम क्या है? आशा। दोनों में फर्क है ना।
जितना भेद है, वो लड़का भी लड़की है, है ना, उतना अंतर है विश्वास और आशा में। आमेन। तो शंका क्या है? जो आज मेरे पास ये मोबाइल है, मेरे जेब में एक रुपया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आमेन, और मैं ये सब चीजों को देख रहा हूं, ये क्या है? डाउट है। ये क्या है? डाउट है। ये क्या है? डाउट। इट्स डाउट, इट इज कॉल्ड डाउट। ये क्या, इसको क्या बोला जाता है? डाउट। शंका है ना, हम शंका में हैं, हम डर जा रहे हैं, हम शंका में, हम देख रहे हैं कि भाई मेरे पास तो इतना ही है, देखो कितना, 5 रोटी और 2 मछली है। शंका है, डाउट है। आशा क्या है? अरे यीशु मसीह है, वो कर सकता है। अरे वचन में लिखा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये क्या है? आशा है। अरे परमेश्वर के वचन में भरोसा, ये हो सकता है। लेकिन विश्वास क्या है? ये हो गया है, ये हो जाएगा, मैं रिसीव कर रहा हूं। आमेन। तो पुराने नियम में क्या हुआ, हम लोग चीज को देख रहे थे कि फर्स्ट गॉड क्रिएटेड लाइट, आमेन, एंड देन सन मून एंड स्टार्स केम। अब मुझे नहीं मालूम, साइंस वालों से पूछना पड़ेगा हाउ इट हैपेंड, कैसे ये हुआ कि भैया ये कैसे हो गया, परमेश्वर ने उल्टा ही काम कर दिया। स्टार्टिंग से ही परमेश्वर उल्टा ही काम कर रहे थे। संसार के पैटर्न से परमेश्वर नहीं चलते। संसार को उजियाला कब मिलेगा? जब उनके पास क्या आएगा? सूरज, चांद, चंद्रमा आएगा। आमेन। लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है? वो पहले आपको उजियाला देगा, फिर आपको सूरज, चांद, चंद्रमा देगा। आमेन। आमेन। तो सबसे पहले परमेश्वर आपको वो चीज दे देगा, वो स्रोत, आपका मिरेकल पहले आपको देगा, फिर आपको वो चीज दे देगा। आमेन। आमेन। इसीलिए पवित्र आत्मा जब वहां पे मंडरा रहा था तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा को वचन चाहिए काम करने को, स्वर्गदूतों को वचन चाहिए काम करने को। आमेन। अगर प्रार्थना से ही सब कुछ बदलता होता तो अभी तक सब बदल जाता, बट परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता। इट्स प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। आमेन। कितने लोग हम लोग अभी 72 आवर्स प्रेयर करते हैं, एंड प्रेयर, प्रार्थना से कुछ हो, बहुत कुछ होता है, मैं ये नहीं बोल रहा। प्रार्थना क्या करती है? हम लोग को परमेश्वर के तरीके में मोल्ड करती है, ताकि हम लोग फेथ का स्टैंड ले लें। आमेन। और जब तक प्रार्थना हमारी मदद नहीं करेगी, जब तक हमारा मन नवनीकृत ना होगा। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना है। आमेन। तो परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता, उसके वचन में लिखा है। तो फियर, ये डाउट क्या है? व्हाट आई हैव, इट्स डाउट। मेरे सरकमस्टेंसेस, व्हाट आई एम, मैं अपने सरकमस्टेंसेस, मैं अपनी परिस्थितियों को देख रहा हूं और इन सारी चीजों को देख रहा हूं, कुछ चेयर्स खाली है, ये डाउट है। और वहीं पे अगर मैं आशा में आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? हो सकता है, भर सकती है, ये चेहरे भर सकती है, यीशु के नाम से चेहरे भर सकती है, ये आशा है, भर चुकी है, देखने हो चुका है, मैंने मांग लिया है, मुझे मिल गया है। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल, मरकुस की किताब 11:24 में, जब भी तुम प्रार्थना करो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और फिर तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो फर्स्ट बिलीविंग एंड रिसीविंग कम, देन यू विल हैव इट। दैट इज गॉड्स पैटर्न। ये परमेश्वर का तरीका है। पैसे देने देगा तब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी जब आपने प्रेयर किया, लॉर्ड आई नीड 50,000 rupees जस्ट टू गिव ऑफरिंग। आमेन। चर्च, सी, वी विल बी अ वेल्दी चर्च। आमेन। हम लोग सबसे अमीर कलीसिया रहेंगे। आमेन। 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 से आई एम रिच, आई एम रिच। एक दिन मैं चढ़ रहा था सीढ़ी से, सीढ़ी से चढ़ते ना, चढ़ रहा था और मैं बेनेडा मम्मा को ऊपर छोड़ के आया। जब भी मैं बराका में रहता हूँ तो मैं लोटा, उनका जो रहता ना दूध, वही लेके घूमता हूँ, उनका पर्स लेके घूमता हूँ मैं। जितने लोगों ने मेरे को देखा होगा, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे, बिकॉज शी इज़ माई मदर। आमेन। लोग बोलेंगे अपनी सगी माँ से नहीं करता, उसके साथ घूमता रहता, तो मम्मी के साथ भी घूमता हूँ, लेकिन उनके साथ वैसा घूमता हूँ, कुछ समय के लिए मम्मी के साथ तो हमेशा रहता हूँ ना। आमेन। तो जब भी मैं जाऊँगा तो वो लोग मेरे को मम्मा का बैग दे देंगे, मैं मम्मा का बैग लूँगा, ऊपर जाऊँगा, लेकर के आऊँगा। पहले ऐसा ही करता था मैं, फिर अभी दूसरे को भी चांस देने लगे हैं। आमेन। तो मैं मम्मा को छोड़ के ऊपर से आ रहा था, इतने में एज़ेकिया अन्ना आ रहे थे। एज़ेकिया अन्ना बोलते, रिचर्ड तेरे नाम में ही रिच है, यू विल बी रिच। आमेन। हालेलुया। तो वी विल बी रिच, से आई एम रिच, आई एम रिच। गॉड बिकेम पुअर, परमेश्वर गरीब बना, परमेश्वर गरीब, ताकि मैं अमीर बनूं, ताकि मैं अमीर। क्यों अमीर बनूं? इसलिए नहीं कि सब लोग मुझे पैसे वाला बोले, नहीं, इसलिए कि सब मुझे देने वाला बोले। हालेलुया। आई वांट टू बी फेमस, I want to be famous. I want to be famous of my generosity. Not ki I have car, I have building. Nah.
आमेन। मैं इसलिए प्रसिद्ध होना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि अरे ये पादरी के पास बहुत पैसा है, खूब कार है, BMW, ऑडी, नो, मैं ऐसे प्रसिद्ध होना चाहता हूं कि पादरी देने वाला है, ही इज अ गिवर, आमेन। व्हेन गॉड ब्लेसेस यू, आमेन, आमेन, है ना, वी डोंट हैव टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें फलवंत करता है, तो हमारे जीने का स्तर हम नहीं बढ़ाते, हमारे देने का स्तर हम बढ़ाते हैं। आमेन। दैट्स व्हाई परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जब भी आप किसी से प्यार करते हो, यू गिव, यू गिव। बाइबल कहती है जो तुमने छोटे से छोटों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। और जब आप परमेश्वर को देखते हो, यू तो चर्च परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है। बाइबल कहती है मरकुस किताब 11 के 24 में, जब भी तुम प्रार्थना करके उससे कुछ मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बहुत बार बोला है लेकिन ये आपके अंदर डाल रहा हूं मैं। आमेन। क्या चाहिए मिलेगा। आमेन। बोलो आज, सोच लो, लॉर्ड क्या मांगूंगा। आमेन, आमेन। आज मैं आपके अंदर ये चीज डालना चाहता हूँ। आमेन, आमेन। तो विश्वास बोलता है। आमेन। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। आप ये नहीं बोलेंगे भैया विश्वास है मन में, परमेश्वर मन को जांचता है। भाई अगर तेरे को वो काम को देखना है अपने जीवन में भौतिक रूप में, आमेन, यू हैव टू स्पीक। परमेश्वर के मन में चल रहा था नया आकाश नई पृथ्वी बनाना है, बट वो हो नहीं रहा था। इवन पवित्र आत्मा वॉज वेटिंग, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा एंड ही वॉज मंडलाइंग, आमेन। बट परमेश्वर के मन में था, शैतान ने क्या करा, मेरे को बनाना है, मेरे को पृथ्वी चांद चंद्रमा सब बनाना है, बट He was not able to do. जैसी परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए, पवित्र आत्मा ने वचन को पकड़ा और उसने उजियाला कर दिया। Amen. 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 जो विश्वास करें जब आप उसको बोलते हैं, it happens. Amen. और लेकिन हम लोग बोलने के ऊपर नहीं बोल रहे हैं आज, हम लोग ये बात कर रहे हैं, यू कैन मेक योर कन्फेशन। आप अपने अंगीकार को एक गीत का एक धुन दे सकते हैं और उसको एक हथियार बना सकते हैं। हालेलुया। जब कोविड चल रहा था और अपोलो वाला वचन पर जब सब लोग मर रहे थे ना और सब लोग डरे हुए थे और तब हम लोग क्रियाशील थे। आमेन। जब हम लोगों ने वाला प्रचार किया था, मैं नहीं मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा और तेरे कार्यों का वर्णन करूंगा। और उस समय पे मैंने रोज सुबह उठ करके मैं हम लोग प्रार्थना करते थे, मैं और मेरी मम्मी, हम लोग प्रभु भोज करते थे हमारा फैमिली, और तुरंत मैं मोबाइल लेकर के हीलिंग स्क्रिप्चर्स को ढूंढता था, उसको कन्फेशन बनाता था और उसको रिलीज करता था। Amen. और ये वाला वचन जो था, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और तेरे कार्यों का वर्णन करूंगा, आई विल लिव, आई विल नॉट डाई बट आई विल डिक्लेयर द वर्क ऑफ द लॉर्ड, ये वाला वचन को इतना भेजा, सब अपने स्टेटस पे लगा लेते थे। मैं समझ जाता था कि बाबा बहुत डरे हुए ये लोग। Amen. 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 और ये वचन को हम लोग बहुत बोलते थे। और ये वचन को जब मैंने एक चर्च में दिया जूम मीटिंग में, वो पास्टर रोने लगे, बोलते मेरे को लग रहा था मेरा नंबर आ गया, आने वाला है, सब मर रहे हैं, अब मेरी पारी है, बट ये वचन ने आज मेरे को हियाव दे दिया। मतलब वचन था बट लोगों को मालूम नहीं था, लोगों को लगा अब तो इशू नहीं आएगा, मैं ही जा रहा हूं उसके पास। यीशु मसीह बोलेगा उल्टा कैसे हो गया, मैं लेने आने वाला था, तू मेरे को लेने आ रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। और जब हम लोग उस वचन को बोल रहे थे तो लोगों को अंदर डालने की, कुछ लोग हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा वचन, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, बोले ये क्या है, तो हमने उसको गाना बना दिया, मैं ना मरूंगा मैं तो जीवित रहूंगा, तेरे कार्यों का प्रभु मैं वर्णन करूंगा, मैं ना मरूंगा मैं तो जीवित रहूंगा, तेरे कार्यों का प्रभु मैं वर्णन करूंगा, मैं ना मरूंगा मैं तो जीवित रहूंगा, तेरे कार्यों का प्रभु मैं वर्णन करूंगा, दाख की बारिशा मैं फलता रहूंगा, तेरे आंगनों में प्रभु मैं स्तुति करूंगा,
मैं नई सृष्टि हूँ, खुदा का बेटा हूँ, जगत की ज्योति हूँ प्रभु। आमेन। ऐसे ऐसे करके हम गीत बना दे रहे हैं। आमेन। ये निशा दी का गीत था सेकंड वाला। आमेन। तो जैसी वचन आया तो उसको धुन दे दी हम लोग ने, और वो धुन से क्या हुआ, सब लोग गाए जा रहे, सब लोग गाए जा रहे, और उनके अंदर एक फेथ आ गया, बाबा मैं नहीं मरूंगा, कोई और मर जाए, मैं नहीं मरने वाला, मैं जीवित रहूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम करने हैं। आमेन। आमेन। तो हमने विश्वास के अंगीकार को एक गीत बना दिया, और वो गीत क्या बन गया, एक हथियार बन गया। आमेन। स्तुति का एक हथियार। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हथियार है, विश्वास ढाल है, और परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। और एक ही हमको यीशु मसीह ने कोई भाला आला नहीं दिया, यीशु मसीह ने सिर्फ तलवार दी है, और वो तलवार को हम लोग कैसे स्तुति के रूप में हम लोग उस तलवार को उठा लेते हैं। आमेन। हालेलुया। हमारा योनातान आगे आगे चलता है और हम लोग उसको मारते हुए चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि शत्रु की ये चाल है कि आपके पास लोहार ना हो। इज़राइल में लोहार ना रहे, लोहार ना, जो इक्विपमेंट्स, जो हथियार को बनाते हैं। शत्रु की पहली प्लानिंग ये रहती है कि आपके पास हथियार बनाने वाला ना हो। जब हथियार बनाने वाला नहीं रहेगा तो आपके पास क्या नहीं रहेगा, हथियार नहीं रहेगा। और जब युद्ध होता तो सिर्फ राजा और राजा के बच्चे के पास ही तलवार रहती थी, हथियार रहते थे, और लोगों को अपने हथियार बनवाने के लिए, धार करवाने के लिए उनको फिलिस्तियों के पास जाना पड़ता था। आमेन। हालेलुया। तो शत्रु नहीं चाहता कि आपके पास हथियार हो, शत्रु नहीं चाहता कि आपके पास ये विश्वास के गीत हो। हालेलुया। आपके पास ये गीत हो कि आप ये गाए। हालेलुया। शत्रु नहीं चाहता कि आप विश्वास के गीत गाए। एक गीत है ना, हे पिता मेरे सरूचा करने वाला। मतलब आज आपका अनादर हो गया, आज आपका तिरस्कार हो गया, आप रो रहे हैं, लेकिन अगर आप इस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु अनादर के बदले तू मुझे दुगना आदर देगा। और फिर ये गीत आता है, हे पिता मेरे सरूचा करने वाला, मेरे सरूचा करने वाला, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सर ऊंचा करने वाला, मेरे सर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला, हे पिता मेरे सिर ऊंचा करने। या तो आप ये गीत गाओ, या तो ये बोलो, प्रभु उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु तू कुछ कर, प्रभु तू कुछ कर। या तो आप रोते रहो, या तो आप बिलखते रहो, या तो आप मुंह बना लो, या तो आप खाना ना खाओ, या तो आप खाना छोड़ दो, ये आपके ऊपर है। आमेन। लेकिन अगर आपका तिरस्कार हो गया, अगर आपको लग रहा है ओ माय गॉड लॉर्ड कितनी बेइज्जती सहूंगा, आमेन, हर कोई आकर के चमका के चला जाता है, वाह कहां मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन वहीं पे आपको मालूम चलेगा, नहीं लॉर्ड पर आपके वचन में लिखा है अनादर के बदले तुझे दुगना आदर दूंगा मैं, लॉर्ड मैं अपने आप को नम्र करता क्योंकि नम्र लोग को तू उठाएगा, और मैं इस गीत को गाऊंगा, हे पिता मेरे सर ऊंचा करने वाला, मेरे सर ऊंचा करने वाला, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरे सर ऊंचा करने वाला, कितने लोग के सर ऊंचे होने वाले, मेरे सर ऊंचा करने वाला, मेरे सिर ऊंचा करने वाला,
उठने का बहुत हो गए, फिर भी थके भी नहीं है और रुके भी नहीं है, थके भी नहीं है और रुके भी नहीं है, तू ही मेरे मददगार है, कोई हार मुझे छू न सकेगी, प्रभु तू ही मेरा मददगार है, कोई हार मुझे छू न सकेगी, ढाल भी तुम हो महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, ढाल भी तुम हो महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरे सर ऊंचा करने वाला। हालेलुया। आपको पता ये क्या हो रहा था, जब आप ये गीत को गा रहे थे ना, आप वर्ड्स को बोल रहे थे, आमेन। सी, परमेश्वर ने हमको अपने जैसा बनाया है, तो परमेश्वर जैसा काम करता उसने हमको काम करने को बोला, उसने बोला मैंने अंधों को आंखें दी तू भी अंधे को आंखें दे, मैंने कोढ़ियों को शुद्ध किया तू भी कोढ़ियों को शुद्ध कर, मैंने मुर्दों को जिंदा किया तू भी वैसा ही कर, आमेन। मुझसे सीखो। तो परमेश्वर से सबसे पहली चीज हम ये सीख सकते हैं कि जो हम देखना चाहते हैं उसको हम बोले, आमेन। परमेश्वर क्या देखना चाहता था? उजियाला। उसने क्या बोला? उजियाला हो जाए। और आज आप अपने जीवन में मान सम्मान देखना चाह रहे हो ना, अगर आपको जो देखना है वो आपको बोलना पड़ेगा, आमेन। आमेन। सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठने का कहत हो गए, सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे बिर उठने का बहुत हो गए, फिर भी थके भी नहीं है और झुके भी नहीं है, थके भी नहीं है और झुके भी नहीं है, तू ही मेरे मददगार है, कोई हार मुझे छू न सकेगी, खुदा तू ही मेरा मददगार है, कोई हार मुझे छू न सकेगी, ढाल भी तुम हो महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, ढाल भी तुम हो महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला। जब आप ये गीत को गाते रहोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप पहले आपके अंदर विश्वास आ रहा है, आमेन। और ये विश्वास, ये वचन क्या कर रहा है, पहले वचन आ रहा है, ये वचन आपके मन में जा रहा है, आमेन। और पहले आपके मन में ये उजियाला ला रहा है, उसके बाद आपके भौतिक रूप में सूरज चांद चंद्रमा दिखेगा। जैसी परमेश्वर ने उजियाला बोला तो वो उजियाला आ गया, आमेन, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का वचन हमारे इस अंधकार वाले मन में उजियाला देता है, परमेश्वर का वचन ज्योति है। जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में लेते हैं तो वो हमारे अंदर एक प्रकाश को डालता है। जैसे कि कोई बीमार है, उसके पास वचन पहुंचा, यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, जैसे उसके मन में वो वचन आता है तो पवित्र आत्मा उसको लेकर के एक प्रकाशन बना देता है, आमेन, आमेन। जैसे आप वचन को पढ़ रहे हैं, जैसे वचन आपके मन में आया, पवित्र आत्मा ने उस वचन को लेकर के प्रकाशन, लाइट कर दिया, लाइट कर दिया, और लाइट करने के बाद अब उजियाला आ गया है, लेकिन दिख नहीं रहा है, चार दिन के बाद सूरज चांद चंद्रमा आएगा, आएगा, आएगा। आपने जो मन में विश्वास किया है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखो, आमेन, आमेन। क्या हम सही, क्या मैं आपको विश्वास सिखा पा रहा हूँ? Yes. क्या आप सीख रहे हैं? Yes. Yes. Amen. आप हमें रोते हुए, बाइबल कहती है हियाव से जाओ, रोते हुए मत जाओ। हाँ, रोना आता है, मैं ही नहीं बोला, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, नाचने का भी समय है, कूदने का भी समय है, आमेन, हालेलुया। तो जैसे आप वचन को अपने मन में लाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन का नवनीकरण होना बहुत जरूरी है। जब अगर हमारे मन का नवनीकरण नहीं होगा तो हम लोग वो चीजों को देख नहीं पाएंगे। गॉड कैन नॉट वर्क इन अनरिन्यूड माइंड। वो
जो मन नवनीकृत नहीं है तो उसमें काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे मन जो है वो बेढोल और सुनसान है, जैसे ही परमेश्वर का वचन आता है तो वहां उजियाला, एक रेवलेशन, पवित्र आत्मा एक रेवलेशन को लेकर के आता है, वो हमारे दिमाग में वो चीज को क्रिएट कर देता है जो चीज हमें चाहिए। आमेन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। और अंदर जा रहा है? यस। कि ऊपर से जा रहा है? सी, उत्पत्ति में क्या हुआ, जैसे ही परमेश्वर ने उजियाला बोला, पवित्र आत्मा वहां पे था। अपन ये बात कर देना, भैया मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है, मैं भी रिबो खाठा नामा सुखो ठोरो बोसे के तेरे टंग्स बोल रहा हूँ, सामने वाला भी टंग्स बोल रहा है, उसके जीवन में काम हो रहा है, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है। चर्च, पवित्र आत्मा वहां पे भी था लेकिन काम नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उजियाला बोला वो काम करने लगा। आमेन। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, वो आपके अंदर बसा हुआ है, आप पवित्र आत्मा के मंदिर है। जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके मन में आता है, पवित्र आत्मा उस वचन को ले लेता है और जो वचन आया है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। पवित्र आत्मा आपके मन में वो चंगाई को क्रिएट कर देता है। वो विश्वास है। फिर पहले पहला दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया और चौथे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? तो चार दिन के बाद आपका मैनिफेस्टेशन आ जाएगा। हालेलुया। पहले आप मन में अमीर बनोगे, फिर भौतिक रूप में देखोगे। पहले आप मन में बड़ी कलीसिया देखोगे, फिर भौतिक रूप में देखोगे। परमेश्वर का काम ऐसा है। आमेन। आमेन। हालेलुया। तो वो पहले आपको धर्मी बनाता है, फिर आपसे धर्म के काम होते हैं। लेकिन संसार के लिए आप धर्म के काम करोगे तब धर्मी गिने जाओगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। जब आप पवित्रता का काम करोगे तब आप पवित्र हो जाओगे संसार के वर्ल्ड में। आमेन। लेकिन परमेश्वर पहले आपको पवित्र बनाता है। आमेन। तो पहले आपको परमेश्वर कर देता है, उसके बाद आपकी चीजों में दिखती है वो चीज। आमेन। आमेन। मैं समझा पा रहा हूँ? यस। मैं आपके अंदर ये डालना चाहता हूँ, मैं बढ़ बढ़ करके आगे बढ़ सकता हूँ। आमेन। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर बातों में अपने मन को नवीनीकरण करें। तो पहले वो चीज हमारे मन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी बात है। व्हाट इज द टाइम भैया? 5 मिनट और, मेरा 5 मिनट अब देख लेना। आमेन। हाल बोरो ना हसी की थी निमो रो को ठो नो मोसे के थे प्रो को जस्ट प्रे इन टंग्स लिब्रा ना का जा का दरा। हम लोग दूसरा इतिहास 20 में है। आमेन। लॉर्ड रिपो का जे के जिना लालो रहान दी निमो से। तो चर्च, परमेश्वर ने पहले ज्योति बोला, वो ज्योति आई जो कि 4 दिन बाद मिलना थी। सूरज चांद चंद्रमा तो ज्योति मिलनी थी लेकिन प्रभु ने पहले ही ला दिया। तो वैसे ही पहले हमारे मन में हमको जो चाहिए वो आ जाती है। विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो फर्स्ट कम्स बिलीविंग एंड रिसीविंग एंड देन कम्स हैविंग। आमेन। तो whenever you pray, believe that you receive it and then you will have it. तो आज आप जो भी प्रेयर करो, start seeing. आपके मन में प्रभु वो प्रकाशन देगा। Oh my God. अगर आज आपके अकाउंट में 300 रुपए दिखा रहे हैं, 326 रुपए दिखा रहे हैं, या आपके अकाउंट में 580 रुपए दिखा रहे हैं, ओके, इट्स अ डाउट। आपकी आशा है, अरे प्रभु कर सकता है, प्रभु करेगा, प्रभु कर सकता है, ये आशा है, विश्वास। I am seeing 58 lakhs in Jesus' name. Amen. 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 I'm seeing it. See, it's not about, देखो, आशीष कौन पाता है परमेश्वर से? जो उसके अनुसार चलता है। Amen. आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे आप आशीष को पाएंगे। So we are not after blessing, we are after blessed one. Amen. Amen. हम लोग यीशु मसीह के पीछे है। तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा, Amen, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग आशीषित हैं। आमेन। आमेन। हम कम नहीं हैं। आमेन। चाहे आज अकाल है, वी आर रिच। आमेन। वी आर गिवर्स। हालेलुया। आमेन। तो चर्च, परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है। ही नीड फेथ। फेथ कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है। आमेन। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आमेन। और जैसे ही फेथ आता है तो फेथ क्या करता है? वो चीजों को क्रिएट कर देता है हमारे अंदर। पहले क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद आप भौतिक रूप में देखोगे। आमेन। वैसे ही पाप आप कर नहीं देते हो, पहले आपके अंदर आता है, पहले आपके विचार में। आप पिछले संडे विचार के बारे में पढ़ते ना, तो पाप आप तुरंत नहीं कर देते, अरे मेरे से पाप हो गया, नहीं। पहले आप मन में विचार करते, फर्स्ट सिन कम एज अ थॉट, देन गलती हो जाती है। आमेन। तो वैसे ही चर्च, विश्वास जब आप कर रहे हो तो पहले आपके पास आ गया, फिर आप देखने लगोगे। आमेन।
Amen. और वो देखने के लिए आपको वचन चाहिए, और वो वचन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गीत को गा रहे हैं. Amen. तेरे प्रेम की विश्वास, विश्वास faith works by love. Hallelujah. Amen. विश्वास प्रेम के द्वारा भी काम करता है. Amen. अगर if you are not, आपका faith काम नहीं कर रहा, then you have to see, you have to check your love. Love आपके अंदर में है. Romans 5:5 में क्या लिखा है, प्रभु ने अपना प्रेम को हमारे अंदर उंडेल चुका है. But we youngsters, we don't fall in love, we walk in love. Amen. Hallelujah. है ना, तो world का system क्या है, oh my God, I fall in love. अरे मैं तो उसके प्यार में गिर गया. लेकिन प्रभु का वचन हमें बोलता है प्यार में गिरना नहीं है, प्यार में चलना है. आमेन, हालेलुया. सो वी डोंट फॉल इन लव, वी वॉक इन लव. आमेन, आमेन, हालेलुया. तो विश्वास कर्म बिना अधूरा है, विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे. बट परमेश्वर को इस पृथ्वी पर काम करने के लिए विश्वास चाहिए. परमेश्वर के इस पृथ्वी पर काम करने के लिए एक ऐसा आत्मा, एक व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर पवित्र आत्मा हो, और वो उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं. ना उम्मीदी में वो ईमान लाते, वो अर्नेस्ट मल का गाना है ना, उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी में हालत में ईमान लाते हैं, ना तो जोर से है ना तो ताकत से है, पाक रू की कुबत से कहते हैं, क्या कहते हैं, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवान, यीशु नाम से उखड़ो कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 उखड़ो. तो परमेश्वर पहाड़ को नहीं उखाड़ेगा, आपको उखाड़ना बोल के. विश्वास महान, विश्वास हमेशा परिस्थिति देखता है, वचन देखता है, वचन में वायदा, वायदा देखता है, असंभव देख के हंसता है और कहता संभव है, वो कहता संभव संभव है, वो कहता संभव संभव है, असंभव देख के और कहता आमेन, हालेलुया. तो चर्च, परमेश्वर का वचन ही आपके अंदर आकर के वो जो आपको चाहिए वो चीज को क्रिएट करेगा. पहले आपके अंदर आएगा, पहले आप अपने, पहले मैं पास्टर बनने से पहले मैं अपने आप को पास्टर के रूप में देखता था, मैं सेवकाई करने से पहले मैं अपने आप को सेवक के रूप में देखता, हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सब लोग गिर रहे हैं. पहले हम लोग ऐसे ही देखते थे. आमेन. मैं जा रहा हूँ सब लोग आ रहे हैं, मेरे बैनर लगे हुए हैं. और मैं जब मैं इंदौर में था ना, तो मेरे साथ में जो दीदी लोग हैं वो लोग सब डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बैंकर्स हैं अभी. तो उन लोग के साथ मैं बैठा था, मैं बहुत छोटा था, साहिल की उम्र का था मैं. तो अब तो सैम बड़ा हो गया, साहिल उस एज का है, ठीक है. तो हम लोग जब चाय पीते थे सेंट नॉबर्ट नर्सिंग होम में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वी आर, आई वॉज वेरी फायरी है ना, तो लोग देख के मेरे को हंसते भी थे, भाई पगला कुछ भी करता रहता है ना, दीवाना वाली जिंदगी मालूम है ना जो अपन जीते हैं, वो अभी भी जी रहे हैं, लेकिन वो समय के अलग ही था, तब कुछ नहीं था जबरदस्त का. तो मैं बोलता था दीदी आप देख लेना, आपके शहर में आऊँगा और आप देखना बैनर देखोगे, आप बोलोगे अरे मेरा भाई यहाँ पे आ गया, आप टीवी में देखोगे. कुछ भी बोलता था, कुछ भी नहीं, विश्वास से बोलता था. आमेन. और वो होने लगा. आमेन. आमेन. और आज उन लोग मेरे को फोन करते, तू सच में कहता था यार. मैंने कहा अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है. आमेन. आपको भी सभा में आना, भी आप आए नहीं हो सभा में. हालेलुया. तो चर्च, आज जो मैं हूं अचानक से नहीं हो गया, वो मैंने पहले अपने ऊपर बोला था वो. और आज जो आप हो वो इसलिए हो क्योंकि आपने अपने ऊपर बोला मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरा वैसा हूँ. लेकिन जब मैं अपने आप को देखा, मैं बोला आई एम अनॉइंटेड रबा खाठा रबा. जब मैं रेमा में पढ़ रहा था तो सुबह 3:30 बजे उठ के मैं टंग्स में, जो लोग रेमा के देख रहे होंगे उन लोग मेरे को जानते हैं, टंग्स रबा खाठा रबा बोल रुसु कुठो नो ममो, आई एम अ माइटी मैन ऑफ गॉड, आई एम अ माइटी मैन ऑफ गॉड, आई एम अ होली मैन ऑफ गॉड, गॉड विल यूज मी, आई एम अ पावरफुल मैन ऑफ गॉड, आई एम अ डेड रेज दर, आई एम दिस, आई एम डेड. जो मैं देखना चाह रहा था मैं बोलता था. आमेन. देखो फेथ इज नॉट बड़ 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 बड़, इट विल गिव यू रेवलेशन, प्रकाशन आ जाएगा अंदर, फिर आप बोलोगे जो आपको बोलना बोलते जाओगे, जो आपको चाहिए आप बोलोगे, हीलिंग कम, हीलिंग 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 हीलिंग. सो फेथ वर्क्स लाइक दिस. आमेन. ऐसा नहीं, रोने से फेथ नहीं आता लेडीज,
प्रभु। हन्ना ने रोई, मैं भी रो रही हूं, ओल्ड कवनेंट। आमेन, आमेन। हाजिरा ने रोई क्या? वो तो प्रभु के पास भी नहीं गई, फिर भी उसको बच्चा आ गया, क्योंकि वो डाउट नहीं करी, उसने परिस्थिति नहीं देखी, सारा को देख के हंस दी उसने। समझ में आ रहा है? आमेन। तो चिंता करना डाउट है, हो सकता है आशा है, हो जाएगा ये विश्वास है। लेकिन इस चीज को हम लोग खत्म करेंगे, दूसरा इतिहास 20 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कहानी को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक राजा है जिसको चारों ओर से लोगों ने घेर लिया है। अब वो राजा कौन है? बोलो, मैं हूं राजा। मैं हूं राजा। और जिन्होंने घेरा वो क्या है? डीमंस है। आमेन। कुछ लोग फ्लैशली डीमन है, कुछ लोग स्पिरिचुअल डीमन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे, आमेन। दूसरा इतिहास 20, हाँ, स्टार्टिंग का पढ़ना पहले। इसके बाद मोआबी, पेज नंबर बता दो इनको। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, पेज नंबर 542। हाँ, सब निकालेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात एक राजा है। कौन है? राजा, एक राजा है। आमेन। और इसके विरोध चार पांच जातियों ने, चार पांच राज्यों ने क्या छेड़ दिया? युद्ध को छेड़ दिया। ये आप हो। आमेन। ये कौन है? बोलो, मैं हूं इस कहानी में। मैं हूं इस कहानी में। और ये जो रिबांठोलोबलो, ये जो है ना, मोआबियो, अमनोयो, मुनियो, है ना, ये क्या है? बीमारी, गरीबी, कर्जा, शर्म, अनादर, ये चीजें आपको घेरने आ रही है। और यहोशापात ये देख करके क्या हो गया? डर गया। क्या लिखा आगे? तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हस्तनांतो मार्ग तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। सुनिए, फेथ कम्स बाय हियरिंग, फियर आल्सो कम्स बाय हियरिंग। आमेन। विश्वास भी सुनकर आता है और डर भी सुनकर आता है। यहोशापात को नहीं पता था कि कौन आ रहा है मेरे आगे पीछे कौन है, लेकिन जैसे ही लोगों ने बोला कि भाई तेरे पर चढ़ाई करने आ रही है, तो यहोशापात डर गया। लेकिन उसने एक अच्छी चीज किया, वो परमेश्वर की खोज में लग गया। उसने प्लानिंग नहीं की, उसने सेनापति को नहीं बुलाया कि हाउ टू विन। आमेन। उसने किसी चीज का सहारा नहीं लिया, उसको मालूम था बाबा प्रभु ही बचा सकता, बनो कौन बचा सकता, प्रभु। वो परमेश्वर की खोज में लग गया और उसने क्या किया? और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हाँ। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? देखिए, इसको अब घर पे जाके पढ़ना। यहाँ पे वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, अरे प्रभु तू पृथ्वी का परमेश्वर है, ये है वो है। और उसने एक और बात को बोला, हम लोग उसको पढ़ेंगे 9वीं आयत में। यहोशापात क्या किया? डर गया। मुसीबत को देख के क्या हुआ? निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं। तो यहाँ पे ये मुसीबत में क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन को ले लिया है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था, क्या तू हमें छोड़ देगा? और 9वीं आयत को पढ़ेंगे, बस 5 मिनट और। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल, ये बोल रहा है परमेश्वर, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल, अथवा अकाल फैमिन या विपत्ति, या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। आमेन। और तू सुनकर बचाएगा। आमेन। ये बोलने का, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर, हम लोग जादू टोने वाले के पास नहीं जाएंगे, हम लोग किसी के पास नहीं जाएंगे, हम लोग तेरे सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि तू ही हम लोग को बचाएगा। आमेन। आमेन। इट्स अ फेथ स्टोरी, इट्स अ प्रेज स्टोरी। यहां पे वर्शिप क्या बन गई? वॉरशिप बन गई। और युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और ये डर जाता है। फेथ ऑल्सो कम्स बाई हियरिंग एंड फियर ऑल्सो कम्स बाई हियरिंग। आमेन। 9वीं आयत में हमने पढ़े, उसके बाद हम लोग एक और आयत पढ़ेंगे,
14 तब आसाप के वंश में से यहिजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। यहां देखेंगे, सी चर्च, इधर देखेंगे। परमेश्वर था उत्पत्ति किताब में, जैसी परमेश्वर और पवित्र आत्मा भी वहां पे था, लेकिन जैसी परमेश्वर ने वचन को बोला उजियाला हो जा, तो पवित्र आत्मा ने उस वचन को लेकर के क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया उजियाला। जो परमेश्वर देखना चाहता था वो परमेश्वर ने बोल दिया और चार दिन बाद वो चीज का स्रोत आ गया। आमेन। सूरज चांद चंद्रमा से रोशनी नहीं मिलती, रोशनी से सूरज चांद चंद्रमा मिलता है। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन है। आमेन। यहां पे ये लोग डर गए हैं और ये लोग परमेश्वर के वचन को बोलने लगे। अगर आप लोग रेफरेंस देखेंगे तो वहां पे लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और जैसी परमेश्वर के वचन को बोल रहे थे, एक लेवी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। आमेन। क्या वचन बोल रहे थे, तू हमें बचाएगा, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर गया। और क्या लिखा उसके आगे, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमेन। युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। और उस आत्मा ने उन बातों को बोला। आमेन। सी, पहले वर्ड आया, फिर पवित्र आत्मा भी आया, एंड दोनों ने काम को किया। आमेन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को हम लोग करेंगे, उन्होंने बोला कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध किसका है, परमेश्वर का, परमेश्वर का, इसलिए तुम लोग डरो मत, परमेश्वर करेगा। और इसने, हम लोग 20वीं आयत को पढ़ेंगे, फिर ये यहोशापात क्या करता, सवेरे उठ जाता है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, ये सवेरे क्या करता है, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। हाँ? और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, यहोशापात ने, आप खड़े होकर कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हे यहूदियों, हे मेरे घर वालों, हे यरूशलेम, हे कलीसिया, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, हे मम्मी, क्या है, मेरी सुनो, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो। हाँ? तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमेन। 21 तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। चर्च, यहाँ पे क्या हुआ, अब इन लोग युद्ध करने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा, जैसे उन लोग ने बोले प्रभु तू बचाने वाला परमेश्वर है, उसके दो आयत के बाद पवित्र आत्मा उतर गया, पवित्र आत्मा ने बोला युद्ध मेरा नहीं, प्रभु तेरा है। हालेलुया। तो युद्ध किसका है, परमेश्वर का है। आमेन। और जैसे यहोशापात को पता चला, यहोशापात ने बोला कि हे मेरे लोगों, डरो मत, परमेश्वर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। और युद्ध में हथियार वालों को, तलवार, भाला, घोड़े, रथों को उसने क्या करा, पीछे कर दिया और बोला नहीं नहीं, इनके आगे कौन जाएगा, गीत गाने वाले जाएंगे। उसको पढ़ना अच्छे से, क्या लिखा है 21 में, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके, उसने सबको बोला, सम्मति की, उसने काउंसिल की, उसने बोला कि देखो भैया, ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। और हम इसको, हम देखिए चर्च, बाइबल क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। आमेन। कि हम तलवार से उड़ा दे, गोली से उड़ा दे या बम से उड़ा दे, हमारा युद्ध आकाश की शक्तियों से है, अंधकार की ताकतों से है, इस संसार की दुष्ट आत्माओं से है, जिसको हम आत्मा की तलवार से ही हटा सकते हैं, जो दिखती नहीं है। आमेन। तो यहोशापात इस बात को जान गया और यहोशापात ने अपने अपने आर्मी के आगे किसको रख दिया, प्रेज एंड वर्शिप को रख दिया, जो स्तुति आराधना करते, जो ये गीत को गा रहे थे, कौन से वाले गीत को गा रहे थे, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो, क्या गा रहे थे, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा,
हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो, हालेलुया। तो ये लोग गीत को गा रहे थे जबकि तलवार चलाना चाहिए, तैयार है हम लोग, जल्दी से बोलो 1 2 3 हम लोग मारने जाएंगे, और जैसे ये लोग गीत गाने लगे कुछ हुआ। 22 आयत सब पढ़ेंगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गा रहे थे, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं। जिस समय आप लोग आज के दिन जब आप ये गीत को गा रहे थे, जब आप लोग ये गीत को गा रहे थे, तब क्या हुआ? उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, जो दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में आ रही थी, जो कर्जा, जो शर्म, जो अनादर, जो बीमारियां, जो आपके विरोध में आ रही थी, उसी समय जिस समय आप ये गीत को गा रहे थे, अब मैं नहीं हूं डर, क्या है गाना, क्या, अब भय नहीं है रहता मुझ में, रहता तेरे प्यार में। जब आप ये गीत को गा रहे थे, जब आप ये गा रहे थे, यीशु जिंदा है, हे आनंद है, जब आप ये गीत को गा रहे थे, तभी परमेश्वर ने उनके विरोध में, जो आपके विरोध में थे, किनको बैठा दिया? घातकों को बैठा दिया आगे, और वे मारे गए। इन्होंने नहीं मारा, इनकी स्तुति ने मारा, हालेलुया, इनके वचनों ने मारा, हालेलुया। चर्च, आमेन। विश्वास वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा, हम लोग डाउट वाले लोग नहीं है, मार के देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। वी आर नॉट थॉमस, आमेन। यस, ही केम टू इंडिया फर्स्ट, आमेन, बट हम लोग थॉमस के लोग नहीं है, हम लोग यीशु के लोग है, हालेलुया। पहले खड्डा देखूंगा फिर विश्वास करूंगा। बाइबल कहती है, धन्य है वे जिसने बिना देखे विश्वास किया, आमेन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे आए हो, घातक बैठ चुके हैं, खत्म हो चुकी कहानी, और जिस समय ये गीत गा रहे थे तभी घातक बैठे और उनके विरुद्ध चढ़ गए, वो लोग मारे गए। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ चर्च, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेईर की पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। और ये शत्रु आने लगे, और ये शत्रु के बीच में कंफ्यूजन हो गया, ये शत्रु एक दूसरे को मारने लगे। चार, जो लोग आपके विरोध में आ रहे हैं, आज ग्रुप बना करके वो लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। Amen. हर एक ग्रुप टूटने जा रहा है। Amen. जो भी चर्च के विरोध में ग्रुप आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है। प्रार्थना से आया नहीं, जब वो परमेश्वर के वचन को उठा रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा, वो लोग गीत गाने लगे। Amen. उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद। वो लोग ये नहीं करते, बचा ले बचा ले बचा ले, प्रभु तू नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा, प्रभु देख ना प्रभु, लो ऐसा नहीं कर रहे थे। उन लोग विजय मिली उनको नहीं, लेकिन उनने मन में विजय पाली। आमेन, आमेन। उनके पास वचन आ गया, आमेन, उसके मन को बदल दिया, हालेलुया, और मन में उन्होंने विजय पाली है। और विजय दिख रही है क्या? नहीं, और उस मन की विजय को लेकर के वो आगे चल रहे हैं। पहले दिन रोशनी आ गई, पहले दिन उजियाला आ गया, अब चौथे दिन वो देखने जा रहे हैं जो पहले आ गया है। आमेन। और उसके बाद क्या हुआ? जब वो लोग एक दूसरे को मारने लगे, फिर क्या हुआ? जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। आप देखोगे उन शत्रुओं को, लेकिन मरा हुआ। आमेन। बट क्या है ना, डर मुर्दे को जिंदा देखता है, और विश्वास जिंदे को मुर्दा देखता है। आमेन। जब आप यहां से निकलोगे, आप बोलोगे भैया तो अच्छा प्रचार करे, तो अभी भी है हमारे सामने। विश्वास से देखो, दे आर डेड, उनके पीछे की स्पिरिट आउट हो गई है। Amen. वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Amen. कुछ नहीं होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। डर सोते हुए इंसान को क्या देखता है? मर गया।
और विश्वास मरे हुए इंसान को देखता है सो रहा है। तो हर एक चीज जो आपकी मर गई है वो जिंदा हो गई है। Amen. और हर एक चीज जो आपको जिंदा दिख रही है उसको देखो मर गया है। जो आप जैसा विश्वास करके वैसा तेरे लिए हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए। हर एक युद्ध में एक लूट रहती है, हर एक अनादर के बाद एक लूट रहती है, हर एक तिरस्कार के बाद लूट रहती है, हर एक बीमारी से लड़ने के बाद एक लूट रहती है, हर एक कर्जे के बाद एक लूट रहती है। हालेलुया। और आप लूटने जा रहे चर्च, ये शत्रु लोग सोना चांदी के साथ लड़ने आ रहे थे। बाइबल कहती है आगे पढ़ेंगे, 3 दिन तक ये लोग लूट रहे थे बस, और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने भावने गहने, बहनों अगर आपको गहने चाहिए ना तो सुनार की दुकान में नहीं मिलेंगे। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं, फिर मन कहने गहने लेकर के आ जाऊं। आमीन। आगे उन्होंने इतने गहने उतार लिए, इतने गहने उन्होंने लूट लिए, उठा लिए कि उनको ना ले जा सके, उनको ले जा ना सके। आमीन। In your trouble, God will bless you with double. Hallelujah. Say, in my trouble, God will bless me with double. Hallelujah. In my trouble, God will bless me with double. Amen. इन्होंने इतना उठा लिया, ले जा नहीं सके। आगे। वरन लूट इतनी मिली। लेकिन लूट इतनी मिली, अनादर के बाद इज्जत इतनी मिली कि लोग फूलों के हार नहीं सोने के हार डाल रहे थे। आमीन। आगे कि बटोरते 3 दिन बीत गए। बटोरते 3 दिन लग गए। आमीन। आमीन। यहां पे हम लोग खत्म करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीक को देंगे। बट चर्च, परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है। आमीन। से इन माय ट्रबल God will bless me with double. God will bless. I am ready for my double anointing. I am ready. Hallelujah. Say, devil, I am ready. I will meet you and beat you. शैतान का सामना करो भागेगा। शैतान का सामना करो भागेगा। शैतान का सामना करो भाग। चर्च खड़े होके शैतान का सामना करो भागे। Come on, शैतान का सामना करो भागेगा। शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा हे भाग जा शैतान, जय आज मेरी है। छुटकारा मेरा है, छुटकारा मेरा है, छुटकारा आज मेरा है। मैंने कहा भाग जा शैतान, छुटकारा आज मेरा है। परमेश्वर कहेगा कि आपको कहना है, परमेश्वर कहेगा कि आपको कहना है, हमको कहना है। परमेश्वर का मुंह कौन है? मैं हूं। हालेलुया। इन माय ट्रबल गॉड विल ब्लेस मी विद डबल। आई विल मीट द डेविल। बोलो आई विल मीट द डेविल एंड बीट द डेविल। आपको पता है शैतान घबराया हुआ है। आमेन। देखो भागा 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 भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पे होगा ये गीत सभी के। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो हारा हारा शैतान। मैंने कुचला उसको यहाँ, मैंने कुचला उसको। चर्च, फेथ विल नॉट गिव विक्ट्री, फेथ इज विक्ट्री।
विश्वास आपको विजय नहीं देगा, विश्वास ही विजय है। हालेलुया तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में स्तुति का हथियार उठाऊं, जरूरत में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूं तेरी जय जय जयकार। हालेलुया निराशाओं में तेरे आनंद जाऊं। हालेलुया अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, निराशाओं में। हालेलुया निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूं तेरी जय जय का चिल्लाऊं। हाथों को डालकर निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाओ, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाओ, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जय का चिल्लाऊं, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। चर्च, दो यू मे बी नॉट अनॉइंटेड बट गॉड्स वर्ड इज अनॉइंटेड। हो सकता है अभिषिक्त नहीं है लेकिन यीशु मसीह का वचन अभिषिक्त है, यीशु मसीह का नाम अभिषिक्त है। हालेलुया टेक द नेम ऑफ जीसस और परिस्थिति को बदले। बोले यीशु के नाम से मेरी परिस्थिति बदल रही है, मेरी नाम दराई अलग हो रही है, मेरी नाम दराई अलग हो रही है, मैं चंगाई को देख रहा हूँ, मेरा सर ऊंचा होने वाला है, मेरा सर ऊंचा होने वाला है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कितने बढ़ गए हैं जो मेरे विरुद्ध उठने का बहुत हो गए, सताने वाले कितने बढ़ गए, गवाही देने वाले आ गएंगे भाई, जो मेरे विरुद्ध उठने का बहुत हो गए, फिर भी थके भी नहीं है और झुके भी नहीं है, थके भी नहीं है और झुके भी नहीं है, मेरे मददगार है, कोई हार मुझे छू न सकेगी, प्रभु तू ही मेरा मददगार है, कोई हार मुझे छू न सकेगी, ढाल भी तुम हो महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, ढाल भी तुम हो महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरे सर ऊंचा करने वाला, हे पिता मेरे सिर ऊंचा करने वाला। आमेन हालेलुया। जब आप गीत को गा रहे थे तो परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया और वो आपकी लूट आपका दुगना आदर रहेगा, आपकी लूट आपकी चंगाई है, आपका लूट जिन्होंने आपका ले लिया वो सवार है। हालेलुया आमेन। चर्च ये गवाही का समय होगा, ये भाई जोएल है आमेन, ये यहीं पास में रहते हैं आमेन, विश्वासी है और एक दिन मैं इनसे मिला था, ये आपको पूरी कहानी बताएंगे, ये आपको गवाही बताना चाहते इसलिए वो यहाँ पर आए हैं, ये भाई दूसरे चर्च के हैं
लेकिन ये बहुत समय से आना चाहते, लेकिन ऑनलाइन हमको देखते रहते हैं। आमेन। तो ये बताएंगे कि कैसे क्या चीज हुआ, ये सब थोड़ा शेयर। कितने लोग तैयार है गवाही के लिए? आमेन। यस नंदनी, हालेलुया हालेलुया। जितने लोग गवाही देना चाहते वो सब आ जाए और भाई की गवाही को हम सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भैया का, उन्होंने एक चांस दिया मुझे आप लोगों से बात करने का। मैं हमेशा देखता रहता था आपको फेसबुक में और साथ ही साथ बहुत खुश होता था, और आज भी मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हुई है। इतनी अच्छी वर्शिप, एक बार मैं चाहता हूँ कि सब ताली बजाएं इस वर्शिप के लिए। ये फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत पूरा कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा आप पूरे चर्च को, और ऐसे ही आप प्रभु को वर्शिप करते रहें और आशीष पाते रहें। तो थोड़ा सा लंबा है, आप लोग थोड़ा बोर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस 5-10 मिनट के लिए बेयर कर सकते हैं। मैं एक्चुअली अभी मेरा मास्टर्स जस्ट ख़त्म होने वाला है, मेरा फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। क्या हुआ था कि ये पूरी कहानी है, मैं इनफैक्ट जॉब से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बट जॉब इज़ नॉट दी ओनली थिंग। इसके पहले भी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी ऐसी हार्डशिप्स आई हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं स्कूल में था, जब 12th के बाद, मतलब मैं जब ग्रेजुएशन के लिए गया, मुझे कभी भी इस लाइन में नहीं जाना था जहाँ पर मैं अभी हूँ। मुझे हमेशा डिफेंस में जाने का था, और उस समय मेरे पास काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए डिफेंस को लेके, और फिर ऐसा हुआ कि मैं एक जगह शॉर्टलिस्ट हुआ वहाँ पे, बट क्या हुआ कि मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाया। इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मेरा कोई और एग्ज़ाम था उस टाइम पे, तो मुझे वहाँ पे रोकना पड़ा अपने आप को। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, उस समय मुझे एक इंजरी हुई थी शोल्डर पर। मैं एक्चुअली फ़ुटबॉल भी खेलता था, तो क्या हुआ शोल्डर पर ऐसी इंजरी हुई थी कि क्या है, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि मेरी बोन्स बहुत स्ट्रांग है, तो बोन्स कभी नहीं टूटती, उसका इधर उधर का हिस्सा पूरा टूट जाता है। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेट था, और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सर्जरी अंडरगो करनी पड़ी थी। क्या हुआ फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने फिर से डिफेंस का एग्ज़ाम दिया था, ऑफिस समय शॉर्टलिस्ट हुआ था, उस समय कॉलेज में आ चुका था, और उसके बाद मैं कॉलेज से गया इंटरव्यू देने डिफेंस का। अब क्या हुआ कि वहाँ बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा था, बहुत प्यारा। 5 दिन का प्रोसेस होता है वहाँ पे, और मैं पहले दिन का ऐसा सीन था, इतना अच्छा गया कि मैं आगे बढ़ा और मैं 5वें दिन वहाँ रहा। थोड़ा सा मेडिकल इशू था वो, जो मैंने आपसे बात किया कि शोल्डर में प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से नोइंगली अननोइंगली नहीं हो पाया, पता नहीं क्या बात थी। तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि ये बचपन का सपना था, डिफेंस में जाना था। अब क्या मेडिकल इशू है, कुछ कर भी नहीं सकते अपन। बट जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, याद से 5 साल पुरानी बात मैं आपसे बता रहा हूँ, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो मुझे कॉलेज जाना था, कॉलेज जा करके मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, बट कॉलेज ने ये बोला कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स तभी देंगे अगर आप ये कॉलेज छोड़ रहे हो। और कॉलेज मुझे छोड़ना नहीं था क्योंकि मुझे नहीं पता था वहाँ क्या होने वाला है। बिल्कुल हाँ विश्वास था, लेकिन हमें हमेशा एक चीज़ है कि ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए। तो मैंने उनको कुछ रीज़न दिया, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं ले जा पाया। बट जो इंटरव्यू में देने गया था वहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं थी जो मैं नहीं ले जा पाया था, और चीज़ अच्छे से हुई। बट फाइनली आखिरी दिन मैं एलिमिनेट हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा, ऑल द मैंने अपना 101% दिया था, बट ड्यू टू सम मेडिकल फैक्टर्स और इसकी वजह से भी सो आई वाज आउट। मैंने सब कुछ किया है, सारा एथलेटिक्स वगैरह में सब में था मैं, बट वो एक सर्जरी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके बाद मैं वापस कॉलेज में आया, लेकिन मैं कॉलेज में नो मैटर बुरा लग रहा था कि नहीं हुआ, और बहुत बुरी बात है कि भाई इतने प्रिपरेशन से गए, सब कुछ दिया अपने और फिर भी नहीं हो पाया। बट एक चीज़ की बहुत खुशी थी कि अगर मैंने वो डॉक्यूमेंट्स मांग लिए होते तो मुझे कॉलेज भी छोड़ना पड़ जाता। मैंने नहीं मांगा, प्रेज गॉड इस चीज़ के लिए।
उसके बाद मैं वही कॉलेज में अभी भी हूँ, और अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि प्लेसमेंट सीजन चल रहा था हमारा, पिछला साल पैंडेमिक में था पूरा, सब लोग घर में नई नई चीज़ें बना रहे थे, नई नई ट्रिप्स प्लान कर रहे थे, बिल्कुल एक अच्छा गेट टुगेदर हो रहा था, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं कुछ अलग ही चीज़ कर रहा था, मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था, और मेरा सिर्फ फोकस इतनी था कि जो क्या हमारे में जॉब के लिए फोकस था मेरा, तो मैं बस यही करता रहता था दिन दिन भर, रात रात भर दोस्तों से भी बात करता था, कभी कभी समझ नहीं आती चीज़ें वो सब डिस्कस करता रहता था, और बस यही सब चलता रहता था। तो अभी क्या हाल ही में हमारा जुलाई से स्टार्ट हुआ था सेशन, तो हम प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज वगैरह आती थी, और उस समय मेरे पास सब कुछ था, ऑलमोस्ट अच्छा पॉइंटर था, और कुछ कुछ मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो सब थी। मैं देना चालू किया इंटरव्यूज़, बहुत अच्छे गए, अच्छी अच्छी कंपनी स्टार्टिंग में आने लगी, वहाँ का ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में अच्छी अच्छी आती, फिर थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कम होने लग जाता, तो बहुत अच्छी कंपनीज आ रही थी। स्टार्टिंग में मुझे कहीं में बैठने इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरा कुछ और रीज़न था, मैं मतलब अकेडमिक्स का अलग सीन था, क्योंकि मुझे दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता था, तो कई कई कंपनीज़ में मुझे एलिजिबिलिटी नहीं रहनी थी मिलती थी क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर वहाँ हायर भी हुआ तो। बट कुछ समय बाद मैं स्टार्ट किया, और इतना अच्छा था कि मैं पहली कंपनी में बैठा, उधर थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं होगा, और इनफैक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जस्ट अगेन एक अंदर तक दूसरी कंपनी आई, और वहाँ मेरा हो गया शॉर्टलिस्ट। और उसके बाद क्या रहता है, इंटरव्यू प्रोसेस बहुत टफ होती है, चार चार पाँच पाँच राउंड होते हैं, एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे के, और आप दिन दिन भर भूखे प्यासे आप बैठे हो और यही सब दे रहे हो आप। तो पहला दूसरा राउंड बहुत अच्छा गया था, तीसरा राउंड ऐसा आया कि उन्होंने जो चीज़ पूछी थी वो मतलब ऐसी कुछ पहली बार मैंने सुना, और पहली बार कोई भी सुनेगा, इतनी नई चीज़ थी, बट फिर भी मैंने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया, बट मैं बाहर हो गया। फिर दूसरी कंपनी आई, दूसरे में ऐसा हुआ कि मैं पहले राउंड ही मेरा इतना प्यारा गया, लेकिन फिर भी मैं बाहर हो गया। फिर तीसरी आई, तीसरा मेरा ऐसा गया कि मेरा कंप्यूटर ही क्रैश हो गया, तो मैं फिर बाहर हो गया। फिर मैं बाहर ही होते जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करता, मतलब मैं इस चीज़ सोचता कि मैं प्रिपेयर नहीं हो क्या, और चीज़ें अच्छी जा रही थी, सब प्रश्नों के सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स थे, कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्यों हो रहा हूँ बाहर। मैं घर वालों से डिस्कस करता था, अपने दोस्तों से डिस्कस करता था कि मैं क्यों बाहर हो रहा हूँ, एंड व्हेनेवर दे यूज्ड टू लिसन दे जस्ट यूज्ड टू से कि भाई दिन नहीं है, बस इसलिए बाहर हो रहा है, और ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि चीज़ जब कंपनीज आना स्टार्ट हुई तो इस लेवल की थी, फिर ऐसी चलती आ रही थी, तीन चार कंपनीज ऐसी आती आ रही थी, फिर धीरे कम ऐसा हाल हो गया, अचानक से इधर आ गए हम। एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे मैं बैठा, मैं फाइनल राउंड तक गया, उसी दिन दूसरी कंपनी आ गई, और उसके बारे में क्या था कि मुझे अच्छे से देना था, लेकिन मुझे क्या था कि जिसका मैंने अभी इंटरव्यू दिया है, फाइनल राउंड तक गया था, वो इतना अच्छा गया था, मुझे लगा था भाई आज होने वाला हूँ, मैं आज होऊंगा, लेकिन मैं नहीं हुआ। और मैं ऐसे ही नहीं हुआ, बट इनफैक्ट जो दूसरी कंपनी आई थी, मैं वो पूरा टेस्ट बर्बाद कर दिया, मेरा ध्यान ही नहीं था कि मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ मिल गया है मेरे को, बट मैं वहाँ बाहर हो गया। फिर तीन चार कंपनीज और आने लगी, मैंने आपको जो बताया, नीचे इस लेवल की कंपनीज तक आने लग गई, फिर मुझे ऐसा लगा कि बस ख़त्म, कुछ होने ही नहीं वाला, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। एक दिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि क्या पता अपीयरेंस को देख के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने बियर्ड शेव कराने के लिए मैं चला गया था। उस दिन इत्तेफाक से भैया मुझे मिले, दाढ़ी, राइट, तो मैं जहाँ सलोन में गया था तो वहाँ पे भैया मुझे मिले थे बाजू में। एक्चुअली हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, बट उतनी ज़्यादा कभी बात हुई नहीं थी। तो उस दिन मैं बियर्ड शेव करा रहा हूँ, भैया हेयर कट करा रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं, और फिर भैया ने बोला, और बता जुएल कैसा है तू? तो मैंने बोला, भैया मैं सही नहीं हूँ। बोले, अरे क्या हो गया भाई? तो फिर मैंने डिस्कस किया ये सब चीज़ों, तो उन्होंने तो भैया ने बस एक चीज़ बोली, अभी होने दे सबको, होने दे, जब आखिरी में बैठेगा ना तब सबसे बेस्ट तू ही लेके जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया। असल में क्या है ना, ये सब जो मोटिवेशनल कोट्स रहते हैं
ये सुनने में अच्छे लगते हैं, बट जब अपन लाइव में लेके आते हैं तो फिर बहुत ऐसा लगता है कि यार ये तो सभी बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, बट होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं भैया से सब सबसे बड़ी आप भी हंसेंगे इस चीज़ को सुन के, जिस दिन मैं बियर्ड शेव करा के, उसके अगले दिन एक और कंपनी का इंटरव्यू था, मैं इसके लिए बियर्ड शेव कराया था कि मे बी मेरे लुक की वजह से या कुछ इसके वजह से मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। अगले कंपनी में पहली राउंड में मैं बाहर हो गया तो उसका तो खैर असर कुछ पड़ा नहीं, बट हाँ मैं फिर भैया से ये सब चीज़ें कन्वे करता रहता था और बताता रहता था कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है भैया, आई डोंट नो, आप प्लीज़ प्रे कीजिए इसके लिए। एंड भैया यूज़ टू प्रे, और 10-10, 12-12 रिजेक्शंस मैंने फेस किए। एक्चुअली मैंने 12 रिजेक्शंस फेस नहीं किया, मैंने 12 तरीके देख लिए कि फेल कैसे होते हैं। तो उस टाइम जब मैं 12वीं कंपनी, एक्चुअली एक कंपनी आई थी, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पहला राउंड दिया, दूसरा राउंड, तीन राउंड्स दिए, और वो जो इंटरव्यू था वो इतना खुश था, उसने ये बोला कि यू आर वेरी मच डिसेंट ऑन राइडिंग कोर्ट्स और कीप इट अप। अब ये चीज़ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि हाँ मैं आगे जाने वाला हूँ। जब रिजल्ट आए तो मैं बाहर था और बहुत बुरा लगा कि यार क्या हो गया, क्या चाहते हो आप लोग कि थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म करूँ तब आगे जाऊँगा, ऐसा कुछ है क्या? बट क्या हुआ कि आगे फिर मैं कंटिन्यू कर दिया, वो कंपनी ख़त्म, दिमाग से ख़त्म, आगे टारगेट कर रहा था। जो 12वीं कंपनी के बारे में आपको बताया, 12वीं कंपनी में मैं बैठा और अच्छा गया था सब। पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में कुछ ऐसा हुआ कि जो इंटरव्यूअर आया वो उसकी कंपैटिबिलिटी में से मैच नहीं करी, तो मैं उसकी वजह से बाहर हो गया। मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, बट मैं बाहर हो गया अनोइंगली। फिर मैं बैठ गया, मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कि कैसा गया, तो मैंने बोला कि जैसा पिछले 12 बार गया है वैसा गया, और थोड़े थोड़े आंसू निकलने भी लग गए थे, बुरा फील हो रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा है सब छोड़ो कोई काम करनी है। अचानक से क्या हुआ कि जो कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया अभी, उन्होंने बोले कि यू आर वेरी नाइस इन राइटिंग कोर्ट्स, उनका अचानक से मेल आया और उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने अपनी लिस्ट भेजी थी अगले राउंड्स के लिए तो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर था, लेकिन जिसने उसको इंटरप्रेट किया उसने नाम चेंज कर दिया था। बट फिर एरर डिटेक्ट हुआ, उसके बाद फिर मेरे इंटरव्यूज में, और इंटरव्यूज ऐसे हुए कि होते ही चले गए, और मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था कि यार मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कुछ पढ़ लो, कुछ नहीं, मैं बस दे दिया। और फाइनली उसके फाइनल राउंड में वहाँ का CTO आके उन्होंने मुझे बोला कि आई जस्ट वॉन्ट टू हैव यू इन माई टीम एट एनी कॉस्ट। और इतनी खुशी की बात हुई थी उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं या तो बैठा हूँ या सुन रहा हूँ, और क्या पता मैं सोच रहा हूँ या सपने में कुछ होगा, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी भैया प्रीच कर रहे थे, भैया ने बोला कि इफ़ यू आर देयर इन एनी ट्रबल गॉड विल ब्लेस यू विद डबल, बट मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि गॉड विल ब्लेस यू विद मोर देन डबल, और वो चीज़ मेरे साथ हुई है। सो अभी तक के जो 12 रिजेक्शंस थे उनको आप रखिए साइड, क्योंकि वो 12 जो चीज़ में मैं अभी हूँ वो 12 उनके बिल्कुल लगे नहीं लगते, कुछ भी नहीं है वो 12। और हमेशा ऐसा लगता है कि यार अच्छा यहाँ हमेशा जब भी मैं रिजेक्ट होता था मैं ये सोचता था, हमेशा टूट जाता था अंदर से, मैं सोचता कि इसके लायक भी नहीं हूँ क्या, इसके लायक भी नहीं हूँ, अरे अब इसके भी लायक नहीं हूँ, और आंसर था हाँ नहीं हो लायक इसके तुम, आई एम हैविंग समथिंग रियली गुड फॉर यू, क्यों सोच रहे हो यार। और आखिरी में एक चीज़ ये है कि बिफोर गॉड डज एनीथिंग फॉर यू, गॉड डज एवरीथिंग इन यू। जब तक आप अंदर से पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होंगे आपके साथ आगे कुछ नहीं वाला, अंदर आपको पहले करना है, और फिर आगे चीज़ें हुई, और फिर चीज़ें ऐसी हुई कि होती चली गई। एंड आप मानेंगे नहीं, मैं जब प्लेस हुआ था उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि बिल्कुल ऐसी इस लेवल की कंपनीज आती हैं, बट जो कंपनी में मैं प्लेस हुआ वो स्टार्टिंग में जो आ रही थी उसके ऊपर थी, और बहुत ही कम लोग थे जो वहाँ पे हुए थे, 2-3 ही हैं, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। सो
glory to God and praise to God. And I just want to say this to every youngster. यहाँ पे बहुत बैठे हैं और ये सब चीज़ें आती हैं आज के टाइम पे और बहुत ही ज़्यादा आती हैं क्योंकि अभी हम इस फेज़ में हैं कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट साथ ही साथ इतना कंपटीशन है, सब कुछ है. बट एक चीज़ है ना कि गॉड वॉज देयर व्हेन वी वर नॉट इवन बॉर्न. सो ही इज़ देयर, ही नोज़ द बेस्ट प्लान फॉर यू. भैया ने मुझे एक बहुत गोल्डन कोट याद कराया था जब भी मैं फेल होता था, तो मैं ये चीज़ हमारे अपने दिमाग में चलाता रहता है. जेरेमाया 29:11, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, द प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, द प्लान्स टू गिव यू अ फ्यूचर फिल्ड विथ होप. ये मतलब दिस इज वॉट एक्चुअली डिस्क्राइब्स मी, जो मेरे साथ हुआ ये बिल्कुल इस कोट को लेके आगे चला. और बिल्कुल अच्छी बात है ना, मैं वहाँ फेलियर्स आ रहे थे, जो फेलियर्स वहाँ पे थे, अगर मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अगर मैं वहाँ पे बोलने लगता कि नहीं, ना मैं कुछ हूँ ना कोई कुछ है, इट्स नथिंग लाइक दैट. फेलियर्स एक्सेप्ट करके जो आगे बढ़ा गया है और प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. वो कहते हैं ना लोग, आप एक तीर कमान लेते हैं, बो एंड एरो, और क्या होता है कि जब हम एरो को पकड़ के ऐसे खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो दो फेजेस होते हैं, बो एन एरो. बो उसका जो थ्रेड रहता है उसको खींचा जाता है और इसको पीछे किया जाता है. तो जो लोग हैं, परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस, नेगेटिविटी जो फैलाते हैं, इधर उधर की चीज़ें बोलते हैं कि तुझे कुछ नहीं आता है, दीज पीपल आर पुशिंग यू, आपको पीछे कर रहे हैं, वो आपको धक्का दे रहे हैं. बट व्हेन दीज पीपल आर पुशिंग यू, गॉड इज पुलिंग यू. जो थ्रेड है जिसपे अपना एरो लगता है, जिसपे बाण लगता है, वो पीछे कर रहा है, दैट इज़ गॉड. गॉड इज़ पुलिंग यू. और जब वो गॉड रिलीज करते हैं, जस्ट लुक एट द ट्रैजेक्टरी, आपने कभी नहीं देखी होगी वो कहाँ तक जाएगा. तो इस चीज़ को मैं बनाया करना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू थैंक भैया वंस अगेन. जस्ट टेल देम व्हाट इज योर पैकेज. तो इट्स 30. इसको 36 लाख का पैकेज मिला है, 3 लाख रुपए महीना. आमेन. जब पहले तो वो उतना स्टैंडर्ड, जैसे ही मेरे को क्या हुआ, मैं अमित अन्ना भी वहाँ पे आए थे सलून में, तो मैं अपने कटिंग करा रहा था, ये आया तो मैंने बात भी नहीं किया, इसने बात किया, बोलता भैया मेरे को प्रेयर करना है, मेरे लिए प्रेयर कर दो, मैं आपका वीडियो देखता हूँ. तो मैंने उससे बात किया और मैं उठ के चला गया, तो ये अमित अन्ना को बोलता हूँ भैया बैठे हैं कि नहीं बैठे, मेरे को प्रेयर करवानी. ये इतना टूटा हुआ था. इसी समय मैंने इसको एक वचन दिया, देख भाई प्रभु का धन्यवाद हो कि तेरे पास कोई आशा ही नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. तेरे पास कोई आशा नहीं है, अब प्रभु तेरी आशा बनेगी. तेरे को एक वचन देता हूँ मैं, इसकी बाइबल खुलवाया, यरमिया 29:11 पढ़वाया इससे, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, मैं हानि की नहीं वरन लाभ की, और अंत में तुम्हारी मैं आशा पूरी करूंगा. तो मैंने कहा जो रहा हो जान दे, तेरे को सबसे बड़ा पैकेज मिलेगा. फिर ये बीच बीच में मेरे को फ़ोन करता था, और कभी कभी मैं जूम में रहता तो मैं उसका फ़ोन उठाता नहीं था, लेकिन मैं उसको बोलता कि भाई तू सरमन देख, गॉड विश्वास प्रभु करेगा. आमेन. तो इसकी परिस्थिति टूटी हुई थी, मैंने अच्छा हुआ टूटी हुई है, अब तू प्रभु पर ही भरोसा कर सकता, किसी कंपनी में नहीं कर सकता. फिर अचानक से प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, ये वचन, ये कोट नहीं, ये वचन है. आमेन. वी आर नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, वी आर जीसस स्पीकर. आमेन. हालेलुया. वी आर वर्ड गिवर. आमेन. तो जैसे ही ये वर्ड इसके अंदर प्रकाशन बना कि प्रभु जो कल्पनाएं तू मेरे विषय में करता हूं मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन लाभ की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, अचानक से इसके पास कंपनियां, ये फेल हो रहा था, बट टूट भी रहा था, बट परमेश्वर का वचन इसको संभाले रखा था. लेकिन परमेश्वर ने वो कर दिया, वेटिंग टाइम इज नॉट वेस्टेज टाइम. हालेलुया. सो यू हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम. आमेन. वेटिंग टाइम इसके लिए अबंडेंट टाइम बना, मोर देन इनफ टाइम बना. जब लोग 12-12 लाख, 10-10 लाख का पैकेज ले रहे थे महीने का, सॉरी साल का, यू विल गेट महीने का 10 लाख्स. आमेन. आई प्रोफेसाई इन जीसस नेम. आमेन. तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इसका वहाँ पे जाना है, हम किसी और चीज़ में धनी हैं. हालेलुया. आमेन. तो परमेश्वर ने इसको 36 लाख के पैकेज से ब्लेस किया. इट इज़ गॉड. जो कल्पनाएं वो जोएल के विषय में करता उन्हें वो जानता है, वो हानि की नहीं थी वरन वो ये सारी फेलियर्स हानि के नहीं थे वो, और अंत में आशा पूरी होगी, जो हो सकता है वो हो गया. आमेन. आइए ताली बजाएंगे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. आमेन. आमेन.
और कौन आ रहा गवाही देने के लिए, जल्दी से जेल मिनिस्ट्री की टीम आ जाए। आमेन, जल्दी आया। और कौन गवाही देने आ रहा है? जल्दी जल्दी, तू यहां चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं।